पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षांत सप्ताह समारोह के अंतर्गत सोमवार को संवाद भवन के सभागार में अधिष्ठाता छात्र कल्याण और महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के तत्वावधान में योग से हठ योग विषय पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह के अलावा अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर रविशंकर सिंह, कुल सचिव सुरेश चंद्र शर्मा सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने योग से हठ योग विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। माननीय कुलपति के समक्ष एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण के सहयोग से हठ योग तक विषय व्याख्यान 444 साल पहले हुई चूक को सुधार, ये चूक थी या अन्य कोई बात थी, उस समय जब यह प्रयागराज से इलाहाबाद किया गया होगा तो उसमें हम लोगों से कोई नहीं था, इतिहास देखता ही बता पाएंगे कि वो चूक थी कि कोई और कुचक्र उसको संचालित कर रहा था, ये इतिहास के गर्व हैं। लेकिन श्री गोरक्षनाथ मंदिर के पूज्य पीठाधीश्वर होने के नाते और महायोगी श्री गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के संयुक्त तत्वाधान में यह योग से हठ योग विषय व्याख्यान माला में यह समीचीन प्रतीत होता है कि इस बात का जिक्र किया जाए। हठ योग को मच्छेन्द्रनाथ तथा गोरखनाथ ने स्थापित किया है। शिव संहिता पृष्ठ 217 पे कहा गया है, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ तस्मात् परवर्ते योगी हठे सद्गुरु मार्गतः, अर्थात हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता है। इस हेतु योगी को उचित है कि योग वेद का सद्गुरु द्वारा हठ योग में प्रवृत्त हो। तो हम लोग तो योगी हैं, हम लोग योग पर कुछ नहीं बोल सकते, और योग पर बोलना केवल बोलना है, योग तो कर्म है, योग तो क्रिया है, योग बोलने से नहीं आता, वो कर्म करने से आता है। जब आप आसन करेंगे, जब आप प्राणायाम करेंगे, यम नियम इत्यादि का आप पालन करेंगे, तब योग आएगा। हम कुछ शब्द कह देंगे, आप कुछ शब्द सुन लेंगे, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, लेकिन बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर है। इस शहर में, इस विश्वविद्यालय में गोरक्षपीठ का खुलना, गोरक्षपीठ की स्थापना, मैं समझता हूँ एक नए युग की शुरुआत, और यह शुरुआत मुझे आश्चर्य होता है कि पहले क्यों नहीं हुई। मुझे लगता है कि गोरखनाथ का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था, उनके नाम से योगपीठ क्या, उनके नाम से विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो इतना बड़ा व्यक्तित्व था गोरखनाथ का। मैं इस सभा के माध्यम से, सभी बुद्धिजीवियों के माध्यम से मांग करता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री तक हमारी यह बात पहुंचे कि गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर एक विश्वविद्यालय जरूर खुले। गोरखनाथ की शिक्षाओं से, उनके योग से, उनके कर्म से, उनकी शिक्षा से, उनके संस्कार से हम तो प्रभावित हैं। ये बहुत अच्छा है जो पीठ यहाँ खुली है गोरखनाथ जी के नाम से, लेकिन इस पीठ को हमें अंतरराष्ट्रीय बनाना होगा। जब तक हम इसको अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाएंगे, जब तक इसमें संस्कृत के लोगों को नहीं रखेंगे, क्योंकि गोरखनाथ संस्कृत के विद्वान थे, जब तक हम हिंदी के लोगों को नहीं रखेंगे, अच्छे लोगों को, तब तक हम गोरखनाथ को नहीं समझ पाएंगे, और गोरखनाथ का प्रचार करने के लिए जब तक हम अंग्रेजी के जानकार के व्यक्ति को नहीं रखेंगे, तब तक हमारी बात हिंदुस्तान से आगे नहीं पहुँच पाएगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर यह योग पीठ काम करती है तो मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि एक नए भारत का निर्माण होगा, एक नया भारत जन्म लेगा। शिक्षक तो सारी बातें जानते हैं, भले जीवन
लेकिन उन वेदों के अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनीषी हुए जो वेदों के अतिरिक्त चिंतन उन्होंने किया सफल जीवन के लिए, उपयोगी जीवन के लिए, महत्वपूर्ण जीवन के लिए अलग एक चिंतन किया। उसमें से कुछ वेद को मानते थे और कुछ वेद को नहीं मानते। हमारी छह शाखाएं दर्शन की ऐसी थी जो वेद को नहीं मानती, थोड़ा बहुत मानती थी और बहुत एकदम नहीं मानती थी। कहती थी कि ये ईश्वर क्या है, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। उसमें पहला है सांख्य, सांख्य दर्शन, और उसके बाद आता है योग। योग में ईश्वर की धारणा है, लेकिन सांख्य में ईश्वर की धारणा नहीं है, न्याय में ईश्वर की धारणा नहीं है। वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष है। आप जानते हैं, पता नहीं ये व्याख्यान आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। आज तो व्याख्यान बोलते हैं कि भाई नौकरी कैसे मिलेगी हमको, जीवन में अच्छा कपड़ा क्या क्या पहनना चाहिए, जीवन में क्या क्या खाना चाहिए। हमारा यह चिंतन नहीं था। हमारा चिंतन प्राचीन काल से यही था कि जो जीव है आत्मा है और परमात्मा, इन दोनों का संबंध कैसे हो। फिर क्योंकि जो जीव है वह परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से अलग, और उसका सबसे बड़ा कष्ट क्या है, पुनः परमात्मा से मिलना। जब तक हम परमात्मा से नहीं मिलेंगे तब तक हमारी सारी माया हमको परेशान करती रहेगी। गोरखनाथ ने भी इसीलिए हठ योग की स्थापना की, महर्षि पतंजलि ने इसीलिए योग की स्थापना की। और ऐसे भारत के सभी धर्म संप्रदाय, चाहे वो भक्ति हो, चाहे सांख्य हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे श्रवण परंपरा हो, सब में योग को महत्व दिया गया है, सब में। इसीलिए योग का एक विश्वविद्यालय यदि खुलता है तो जो आप लोग कहते हैं कि जो अंतर अनुशासन वाले, आजकल एक श्रद्धा भी चल रही कि अंतर अनुशासन, यानी एक विषय से भूगोल का संबंध क्या मनोविज्ञान से है, मनोविज्ञान का संबंध क्या फिजिक्स से है, फिजिक्स का संबंध क्या केमिस्ट्री से है। हम ये मान बैठे कि हमारा संबंध किसी से नहीं है, लेकिन हमारा सबका संबंध सबसे है। योग प्राचीन धर्म मत में यही करता है।